नमस्कार किसान भाइयों, किसान भाइयों द फार्मर नर्सरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको सेब के पौधों में खाद डालने के बारे में बताएंगे। सेब के पौधों में कब, कितना और कैसे खाद डालना है, ये पूरी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। जिन किसान भाइयों ने पूर्व में सेब के पौधे लगाए हुए हैं या जिन किसान भाइयों ने पिछले वर्ष सेब के पौधे की प्लांटेशन की है और जो किसान भाई सेब के पौधे लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए किसान भाइयों हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। जो किसान भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे हमारी वीडियो उन तक पहुँचती रहे। किसान भाइयों, जैसा कि आप अपने फ़ोन की स्क्रीन पर अभी ये पौधा देख रहे हैं, यह सेब का एक साल पुराना पौधा है। ये पौधा एक वर्ष पहले यहाँ पर लगाया गया था। किसान भाइयों, सबसे पहले हमें अपने सभी पौधों की साफ़ सफाई कर लेनी है, यानी कि अच्छे से निराई गुड़ाई कर लेनी है। पौधे को हमेशा हमें अपने सभी पौधों को साफ़ ही रखना चाहिए, निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए समय समय पर। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होती है और हमारे जो पेड़ होते हैं ये बीमारियों से भी बचे रहते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने पौधों को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। अगर खरपतवार ज़्यादा है तो हम खुरपी की कस्सी की सहायता से भी सफाई कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें अपने सभी पौधों की चारों तरफ से, जो हमारा पौधा होता है उसके जो ऊपर कैनोपी होती है उसके चारों तरफ जितने एरिया में पौधे की कैनोपी फैली हुई होती है उस एरिया में हमें पौधे की निराई गुड़ाई हमेशा करते रहने चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, जो हमारे पेड़ होते हैं उसमें दो प्रकार की जड़ें होती हैं। एक तो वे जड़ होती है जो ज़मीन के गहरे हिस्से में चली जाती हैं, यानी ज़मीन की गहराई में चली जाती हैं और हमारे पेड़ को ज़मीन पर खड़ा रखने में मदद करती हैं, जिससे हमारे पौधे ज़मीन के ऊपर स्थिर रहते हैं और अच्छे से खड़े रहते हैं। दूसरी वे जड़ें होती हैं जो ज़मीन की ऊपरी सतह पर होती हैं, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं, जिनसे हमारा पौधा अपने भोजन का कार्य करता है। यानी जो भी हम खाद्य पदार्थ ज़मीन में डालते हैं और ज़मीन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या खाद्य पदार्थ होते हैं उनको वो ग्रहण करती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ होती है। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम आपको इस पौधे में खाद डालकर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी पौधे में खाद डालें, आप पौधे की जो जड़ होती है यानी कि जो मेन स्टेम होती है उससे 6 इंच से 1 फीट की दूरी में आपको खाद डालना है, जैसा कि अब हम आपको डाल के दिखाएँगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट का खाद है, बहुत ही अच्छी तरह से मैच्योर हुआ हुआ है। यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, जब भी हम किसी पौधे में खाद डालें वो कच्ची खाद मत डालें। अगर हम कच्ची खाद डालेंगे तो पौधे में हमारे फंगस आ जाएगी और हमारे पौधों में कीट लगने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये जो आप खाद देख रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल भुरभुरी है और मैच्योर हो चुकी है। अब हम इसको आपको डाल के दिखाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला था, पौधे की जड़ से 6 इंच से 1 फीट की दूरी में आपको खाद डालनी है। इस प्रकार से आप अपने पौधे में चारों ओर खाद डाल सकते हैं। ये हमने जो डाली है ये भी वर्मी कंपोस्ट है। अब हम इसके अंदर NPK डालेंगे, क्योंकि हमारा जो पौधा है वो अभी एक वर्ष पुराना ही है, इसलिए हम अभी अपने पौधे में जो NPK डालेंगे वो 200 ग्राम की मात्रा में डालेंगे। इसको भी आप इसी खाद के ऊपर ऐसे हाथ से अच्छे से चारों तरफ डाल देना है आपको। किसान भाइयों, अब हम इसको किसी खुरपी या कस्सी की सहायता से अच्छे से मिला देना है। किसान भाइयों, अब हम इसको कस्सी की सहायता से ऐसे 4 से 6 इंच गहराई में हमें इसको खोदना है और इसको ऐसे मिला देना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो किसान भाइयों, आपको ऐसे जैसे हमने अभी करके दिखाया है इसी प्रकार से आपको अपने पौधों में
जो खाद डाला जाता है उसको ऐसे मिलाकर आपको अपने पौधों में डाल देना है। उसके बाद आपको अपने पौधों में पानी डाल देना है। पानी आप ड्रिप की सहायता से भी दे सकते हैं, अगर आपके यहाँ पर ड्रिप इरीगेशन लगा हुआ है तो आप ड्रिप से भी पानी दे सकते हैं, और आप इसको फ्लड से भी पानी दे सकते हैं। जो भी आपके यहाँ पानी देने का साधन है उस हिसाब से आप पौधे को पानी दे सकते हैं। ये आपके खाद डालने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अभी हमने जो सेब के अंदर खाद डाला है इसमें लगभग 10 किलो हमारा वर्मी कंपोस्ट था और 200 ग्राम हमने एनपीके इसमें डाला है। एनपीके में आपका नाइट्रोजन होता है जो हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही उपयोगी है और बहुत ज़रूरी है, वो हमारे पौधे को ग्रोथ करता है। दूसरा जो इसमें है वो फॉस्फेट होता है जो कि हमारे पौधे की रूट्स को ग्रोथ करने के लिए बहुत अहम रोल निभाता है। और तीसरा इसके अंदर पोटेशियम होता है। पोटेशियम जो होता है पौधे की ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है और जो हमारे पौधे पर फल आते हैं उसकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पोटेशियम बहुत ही ज़रूरी होता है। किसान भाइयों, ये हमारे सेब के पौधों की नर्सरी है जो कि हॉट क्लाइमेट एप्पल प्लांट है। जो किसान भाई सेब के पौधे लगाने के बारे में विचार कर रहे हैं वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके सेब के पौधे मंगा सकते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।